स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम फेसबुक एड्स में आपको कैसे आप अपना डोमेन वेरीफाई कर सकते हो या ब्रांड सेफ्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज अगर आपका डोमेन वेरीफाइड है तो आपको एड्स चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, और ब्रांड सेफ्टी क्या है वो भी समझते हैं। तो दोस्तों आप फेसबुक के साथ साथ अगर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल में लगभग 850 के अराउंड वीडियोज हैं, और इस साल हम आपको 1000 वीडियोज 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं ताकि आप लोग इनडेप्थ प्रैक्टिकल सीखें। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लें ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको फेसबुक एड्स में ब्रांड सेफ्टी क्या है और कैसे आप अपने डोमेन को, वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हो, ये सिखाएंगे। दोस्तों ये आज फेसबुक में अब से मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि अगर स्पेशली आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो, तो मस्ट है। बट फिर भी मैं सलाह देता हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, ताकि आपके ब्रांड के, आपकी वेबसाइट के बारे में आप फेसबुक को बता सको दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस ब्रांड डोमेन, सो दैट उसका कोई मिसयूज ना कर पाए और आपके फेसबुक एड्स आगे चल के डिसेबल ना हो, ठीक है, बार बार उनमें दिक्कत ना आए, तो भी ये जरूरी है। तो दोस्तों सीखते हैं। तो पहले आप अपना बिजनेस सूट अकाउंट खोल सकते हो, पहले फेसबुक अकाउंट खोलिए, फिर बिजनेस सूट अकाउंट खोलिए, और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जब यहाँ ओपन करोगे तो बिजनेस सेटिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो बिजनेस सेटिंग्स में आप आ जाओगे। तो जब बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आओगे तो यहाँ नीचे आने पर ब्रांड सेफ्टी का एक ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर डोमेन्स के ऑप्शन में जाइए, ठीक है। तो डोमेन्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है नॉट वेरीफाइड, तो इसको अभी हम करते हैं रिमूव डोमेन, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है, अगर आपने अभी तक अपना डोमेन या वेबसाइट वेरीफाई नहीं करी तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। तो यहाँ पर आप एड पे क्लिक करो, तो जब एड पे क्लिक करोगे तो आप अपना डोमेन यहाँ पर डालिए, ठीक है। तो जो भी आपके वेबसाइट है आपका डोमेन है उसको डालिए और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, अब हमें वेरीफाई कर रहा है, तो नीचे प्रोसेस दिखा रहा है, सेलेक्ट वन ऑप्शन, कई ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कि आप मेटा टैग और अपने एस्टीमेट सोर्स कोड में डालो, या अपलोड एस्टीमेट फाइल टू योर रूट डायरेक्टरी, या अपडेट द DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड विद योर डोमेन। तो दो इजी वाले जो हैं वो है पहला मेटा टैग और दूसरा लास्ट वाला DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड, बट हम पहला वाला यूज करेंगे, एड अ मेटा टैग टू योर एस्टीमेट। जब यहाँ हम क्लिक करेंगे नीचे देखिए आ गया है मेटा टैग का कोड, इस कोड को कॉपी कर लो, ठीक है। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में जाइए सबसे पहले, तो जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अगर वो वर्डप्रेस में या किसी और CMS में बनी है तो उसके एडमिन पैनल में चले जाइएगा, जैसे हम अभी अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में है। तो एडमिन पैनल में जाने के बाद अपीयरेंस का एक ऑप्शन आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थीम एडिटर का ऑप्शन आएगा, थीम एडिटर। तो थीम एडिटर पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर थीम फाइल्स आ जाएंगी, कर्सर जहाँ पर मेरा है, तो थीम फाइल्स के अंदर आपको हेडर PHP में जाना है, हेडर PHP क्लिक कीजिए करोगे तो क्या होता है, यहीं पर हम फेसबुक पिक्सल भी लगाते हैं, फेसबुक पिक्सल कोड जब हमने आपको लगाना सिखाया था वेबसाइट में तो इसी तरीके से लगाना सिखाया था। तो आपको क्या करना है, अपने हेडर PHP में जाके जहां पे फेसबुक पिक्सल कोड लगा रखा है, देखो हमने अपना फेसबुक पिक्सल कोड लगा रखा है, अब जहां ये पिक्सल कोड एंड हो रहा है, कोड एंड हो रहा है, उसके नीचे एग्जैक्ट जाओ और यहाँ पेस्ट कर दो उस कोड को जो अभी हमने करा। तो फेसबुक पिक्सल कोड जहां लगा रखा है उसके एग्जैक्ट नीचे ही पेस्ट करना है और इसको यहाँ अपडेट फाइल पे क्लिक कर दो। तो जब आप यहाँ अपडेट फाइल पे क्लिक करोगे
तो जब यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगी, हाँ आपकी फाइल अपडेट हो गई है सक्सेसफुली, ठीक है, अब यहाँ आ गया, अब इसको यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, अब हम वापस जाएंगे फेसबुक पे बिजनेस सेटिंग्स में, यहाँ पर हम वेरीफाई डोमेन पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो दोस्तों यूजली क्या होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो अभी ये वेरीफाई डोमेन पे हमने क्लिक कर दिया है, ये प्रोसेस दिखा रहा है, अब ये देखिए हमारा डोमेन वेरीफाई हो चुका है, अब हम यहाँ डन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए नॉट वेरीफाइड की जगह पर वेरीफाइड आ गया, मगर फिर भी दोस्तों कई बार ये 24, 48 या 72 आवर्स तक भी ले लेता है। तो इससे कोई घबराना नहीं है कि अगर आपका एकदम से नहीं हो रहा है तो आप 2-3 दिन वेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और ब्रांड सेफ्टी में एक चीज और बता देता हूँ, ब्लॉक लिस्ट में चलते हैं। ब्लॉक लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आप अपना ऐड चला रहे हो, अब आप चाहते हो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, इन कॉम्पिटिटर्स के जो फेसबुक अकाउंट्स हैं या उन कॉम्पिटिटर्स के फेसबुक पेज हैं, अब मैं उनको ऐड नहीं दिखाना चाहता कि उनको ना दिखे, या किसी पर्टिकुलर पेजेस या अकाउंट्स को आपको ऐड नहीं दिखाने, तो अब मैं मैनेज पे जाओ, और मैनेज पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपनी ब्लॉक लिस्ट खुद क्रिएट करो। तो यहाँ पर आप वो लिस्ट यहाँ पर पेज का जो URL है, ठीक है, वो यहाँ पर आप कॉपी करके डाल सकते हो, ठीक है, या आप, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप एक पूरी फाइल ही डालना चाहते हो, कई सारे पेजेस हैं, ठीक है, तो उनके आप यहाँ पर रिकॉर्ड डाल सकते हो, तो उनको फेसबुक आपके एड्स वगैरह नहीं शो करेगा, आपकी कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रांड उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जहां नहीं चाहते आप पहुंचे। और दूसरा जो अभी हमने आपको डोमेन वेरीफाई का सिखाया, तो वो डोमेन और वो वेबसाइट के ओनर आपको फेसबुक को पता लग जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको आगे चल के कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी एड सस्पेंड हो या कोई दिक्कत हो, और कोई दूसरा भी उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो ब्रांड सेफ्टी ये होता है और इस तरीके से करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मेरे से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।